नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी का हमारी YouTube चैनल ऑल नॉलेज इन्फॉर्मेशन में स्वागत है। इस चैनल के लिए मैं राजकुमार चौरसिया। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि PDF को मर्ज कैसे करें। फ्रेंड्स, PDF को कैसे जोड़ें, चाहे एक PDF हो, चाहे दो PDF, चाहे जितना भी PDF हो, फ्रेंड्स आप उनको एक साथ में जोड़ सकते हैं। फ्रेंड्स, आसानी से, बहुत ही ईजी तरीके से, कमबैक के साथ में और ऑफलाइन। फ्रेंड्स, इस जानकारी को पाने के लिए वीडियो में बने रहें, वीडियो को पूरा देखें। यदि आपको हमारी YouTube चैनल की वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें तथा नोटिफिकेशन को बेल आइकन पर सेट कर दें, जिससे हमारे द्वारा अपलोड की गई वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। फ्रेंड्स, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव अवश्य दें। फ्रेंड्स, इसके लिए हमें जाना होगा गूगल प्ले स्टोर में और डाउनलोड करना होगा एक एप्लीकेशन। फ्रेंड्स, हम चलते हैं अपने गूगल प्ले स्टोर में। फ्रेंड्स, आपको ऊपर साइड में वॉइस सर्च दिख रहा है, राइट कॉर्नर में वॉइस सर्च भी आप लिख सकते हैं, लेकिन मैं इसमें वॉइस सर्च नहीं लिख पाऊंगा क्योंकि ऑलरेडी इसमें रिकॉर्डिंग चल रही है। तो मैं सर्च टैब पे करता हूँ। यहाँ हमें फ्रेंड्स सर्च करना है PDF मल्च। मैं ऑलरेडी सर्च कर रखा हूँ इसलिए मैं सर्च नहीं कर रहा हूँ। आप लिख लीजिएगा PDF स्पेस MURCH, इस तरह से आप लिख के टाइप कर दीजिएगा, आपका पता आ जाएगा। मैं ऑलरेडी टाइप करके टाइप नहीं कर रहा हूँ। PDF मर्च ऊपर लिखा हुआ है स्क्रीन पे, आपको दिखाई दे रहा होगा। मैं इस पर टैप करता हूँ, देखिए ओपन हो रहा है। ओपन हो गया। हाँ, देखिए PDF reader, PDF viewer, PDF merge, create and combine text. दूसरे नंबर पे ही हमारे एप्लीकेशन आ चुका है PDF मर्च, क्रिएट एंड कम्बाइंड करके बोला। देखिए फिर दोबारा बोला PDF मर्च क्रिएट एंड कम्बाइन टेक्स्ट, इस तरह से बोल रहा है। इस पर हमने टैप किया, डबल टैप, हमारा PDF का ये पूरा ओपन हो चुका है। आगे आपको मैं स्वाइप करके दिखाता हूँ, आप एक्सप्लोर बाय टैब से भी देख सकते हैं। देखिए बिंस बीन ये लोग हैं, इनके द्वारा ये बनाया गया है PDF एप्लीकेशन को। आगे अनइंस्टॉल ओपन। फ्रेंड्स, मैं इस एप्लीकेशन को ऑलरेडी अपने फ़ोन में डाउनलोड कर रखा हूँ, इसलिए मेरे फ़ोन में अनइंस्टॉल बटन दे रहा है। आपको यहाँ इंस्टॉल बटन मिलेगा, आप इंस्टॉल बटन पर टैप करके डाउनलोड कर लीजिएगा। फ्रेंड्स, ये क्योंकि ये एप्लीकेशन काम करता है ऑफलाइन, इसलिए हम अपने फ़ोन के मोबाइल डेटा को ऑफ कर देंगे, क्योंकि ऑफ कर देंगे आप तो आपको कोई ऐड नहीं आएगा, आप इजिली एक्सप्लोर कर पाएंगे और PDF को मर्ज कर पाएंगे। मैं ऑफ कर लेता हूँ। फ्रेंड्स, हम ओपन पे टैप करेंगे, टैप किया, ओपन नेविगेशन सबसे पहले ऑप्शन इसमें है। इसमें फ्रेंड वैसे तो कई ऑप्शन दिए हैं इस एप्लीकेशन में, काफ़ी ही एक्सेसिबल ऐप है, ब्लैंड के लिए ठीक ठाक अच्छा ऐप एप्लीकेशन है, काफ़ी यूजफुल एप्लीकेशन। इसमें काफ़ी फीचर जो है दिए हुए हैं, काफ़ी काम आप इस एप्लीकेशन के थ्रू कर सकते हैं एक ही एप्लीकेशन से। लेकिन मैं आज आपको सिर्फ बताऊंगा इसमें वीडियो को मर्ज करने के बारे में। सबसे पहले हम ओपन एविगेशन में देखते हैं को सेटिंग करना है या नहीं। फ्रेंड्स, इसमें कोई इशू नहीं है सेटिंग करने लिए, आप यहां से पर्चेज वगैरह कर सकते हैं। इशू है आपको माई डॉक्यूमेंट पे एलर्जी सेट है, शेयर वगैरह कर लिखा, यहाँ से कुछ इसमें खास नहीं है। आगे स्वाइप करते हैं, PDF मर्ज में देखिए माय डॉक्यूमेंट, आप यहाँ पे जो भी डॉक्यूमेंट वगैरह मर्ज करेंगे, कुछ भी करेंगे, आपको यहाँ शो करेगा। आगे देखते हैं रिमूव एड्स, यहाँ से परचेज करना था, इसको करेंगे मर्ज PDF। देखिए इसमें कई ऑप्शन दिया, जैसे मर्ज PDF, रीऑर्डर PDF, PDF को अपडेट कर सकते हैं, यहाँ से डिलीट कर सकते हैं, उसको अल्फाबेटिकल लगा सकते हैं, यहाँ से PDF, extract pages from your PDF or save each page as a separate PDF. यहाँ पर इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं, स्टेट कर सकते हैं PDF में जो भी लिखा होगा। Protect PDF, add a password and encrypt your PDF file. आप यहाँ से PDF को प्रोटेक्ट कर सकते हैं,
पीडीएफ पे पासवर्ड लगा के आप उसको इनक्रिप्ट कर सकते हैं, आप ओपन नहीं होगा जब तक आपको फिर से अनलॉक नहीं करेंगे। देखिए अनलॉक का फ्लैग दिया है, आप यहाँ से पासवर्ड को रिमूव करके परमिशन हटा के अनलॉक कर सकते हैं। अगर देखिए जेपीजी हो या पीएनजी हो उसको भी आप यहाँ से कन्वर्ट कर सकते हैं। फिर आगे है पीडीएफ टू जेपीजी, पीडीएफ को आप जेपीजी में से कन्वर्ट कर सकते हैं, HTML से कर सकते हैं। इस तरह स्टूडेंट्स में कई ऑप्शन दिए हुए, आप इसको देख लीजिएगा अपने हिसाब से, आपको जिसकी आवश्यकता होगी। लेकिन हमें सिर्फ देखना है इसमें मर्ज पीडीएफ, मर्ज पीडीएफ पर टैप करते हैं, आगे आप बात करिएगा पीडीएफ मर्ज मॉडिफाई साइज टैप दे रहा है। आगे अनली बोर्ड, ये बटन अभी काम नहीं कर रहा है, अभी नहीं काम करेगा। इसके आगे देखिए आपको टू ऐड फाइल बटन, अर्ली बोर्ड के बाद जो मिल रहा है टू ऐड फाइल लिखा है, उसके आगे देखिए ऐड टू डू आइटम फैब, इस पर हम टैप करेंगे। जैसे ही हम इस पर टैप करेंगे फ्रेंड्स, हमारे यहाँ नीचे देखिए कई ऑप्शन मिल रहा है, ठीक बैकड्रॉप मिल रहा है। उसके बाद आप अर्ली बोर्ड पर फिर टैप करिए, नहीं ले रहा है। जैसे आप इस पर करेंगे डू आइटम फैब पे, उसके बाद एक बार बटन एलिमेंट पर टैप करेंगे, उसके बाद फिर आपको इस पर टैप करना पड़ेगा, इस पर ऐड टू डू आइटम फैब पे। अब देखिए कर दिया, अब आप पीछे तरफ आते हैं, देखिए क्या क्या आपको ऑप्शन दिया है। HTML से आपको भी आप PDF पे कर इसको यहाँ से भी आप कर सकते हैं, कैमरा से आप ले सकते हैं, स्कैन कर सकते हैं, स्कैन करके टेक्स्ट से भी आप PDF बना के ले सकते हैं, यहाँ से क्लाउड फाइल आप गूगल ड्राइव वगैरह से भी ले सकते हैं, ड्रॉपबॉक्स से देखिए बता रहा है, बिन ड्राइव वगैरह से ऐड फाइल, यहाँ से आप अपने फाइल मैनेजर से चूज कर सकते हैं। फ्रेंड मैं अपने फाइल मैनेजर में चलता हूँ और चूज करता हूँ, टैप किया सो रोज हमारा ये खुल चुका है, आपको जिस फाइल से भी सिलेक्ट करना है उस फाइल से कर लीजिए। ओपन फ्रॉम आ गया, मैं अपने इंटरनल मेमोरी में जाऊंगा, इंटरनल मेमोरी का ऑप्शन नहीं दिया जाने के लिए, आपको एसडी कार्ड या ड्राइव में जाके ले सकते हैं, आप या डाउनलोड फोल्डर में जा सकते हैं। मैं अपने डाउनलोड फोल्डर में चला जाता हूँ, डाउनलोड पर टैप किया, देखिए हमारे डाउनलोड फोल्डर में एक पीडीएफ ये है, वन पीडीएफ 151 ठीक एमबी का है, ये सभी शो कर रहा है, जितने भी हमारे डाउनलोड फोल्डर में है सब शो कर रहे हैं। मैं जितने पीडीएफ को ऐड करना चाहता हूँ ऐड करता हूँ, देखिए इसको सिलेक्ट किया, लॉन्ग प्रेस करके होल्ड करेंगे, सिलेक्ट कर दीजिए, वन सिलेक्टेड, ये दूसरा पीडीएफ है, इसको मैंने सिलेक्ट किया, दो पीडीएफ हो गया, पावर पीडीएफ मैं इसको भी सिलेक्ट किया, तीन सिलेक्ट किया, सब पे टैप करते जाना आपको, अब होल्ड नहीं करना, सिर्फ आपको फर्स्ट पीडीएफ को ऐड करने के लिए होल्ड करना है। उसके बाद आप सभी पे डबल टैप करते जाएंगे, सिलेक्ट होता जाएगा, देखिए चार फोर मेरा सिलेक्ट हो चुका है। अब आपको ऊपर साइड में जस्ट जहाँ मोरा ऑप्शन मिलता है, आपको राइट साइड में राइट अप में कॉर्नर में जहाँ मोरा ऑप्शन मिलता है, जहाँ थ्री डॉट आपको मिलते हैं, उसी के जस्ट बगल में आपको ऑप्शन सिलेक्ट कर दिया हुआ, देखिए सिलेक्ट। जैसे अब हम इस पर टैप करेंगे ये हमारा आ जाएगा ओपन होकर, देखिए फ्रेंड्स ड्रॉपबॉक्स, अब देखिए यहाँ पे सब दिखाएगा, जितना मैंने सिलेक्ट किया सब दिखाएगा, आगे आप सर्च कर जाएंगे तो देखिए आप यहाँ नीचे एक आपको ऑप्शन मिल रहा है बैकड्राफ्ट, जैसे होम और डिस्टेंस के जैसे आपको बैकड्राफ मिल रहा है, आप इस पर इसको टच करेंगे, आप पीछे जैसे आप इस पर अगर रखेंगे उसके आप पीछे तरफ स्वाइप करिए, साइज मॉडिफाइड देखिए आप ऐसे स्वाइप कर देंगे, आपको यहाँ दिखाएगा जो जो सिलेक्ट करेंगे आइटम सिलेक्टर, उसके आगे बता रहा है जितना पीडीएफ है, मैं चार हिस्सा आपको दिखाता हूँ, बैकड्रॉप या आप आगे करेंगे तो भी आ जाएगा, पीछे करेंगे तो भी आ जाएगा बैकड्रॉप के बाद, ठीक है। पहले मैंने इसको सिलेक्ट किया था 351 KB का है, आइटम सिलेक्टर आगे बोल रहा है, आप अगर इस पर चाहें टैप करके तो हटा भी सकते हैं, सिलेक्ट ले जाएगा। अगला देखिए 591 KB का है,
ये भी देखिए सिलेक्ट है, आगे देखिए पावर पीडीएफ ये भी सिलेक्ट है, आइटम सेलेक्टर लेजिटिमेसी पीडीएफ लेजिटिमेसी पीडीएफ ये भी हमारे सिलेक्ट है, चार सिलेक्ट है। आगे देखिए हमको क्या फील दे रहा है, ये सब दे रहा है, और अगर आप चाहें तो और भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन हमें अब मर्ज करना है। आप स्वाइप करते जाइए इसे, मर्ज पीडीएफ आइटम देखिए दे रहा है, मर्ज पीडीएफ आइटम, इस पे हम टैप करेंगे। जैसे टैप करेंगे देखिए सेव पीडीएफ यहाँ हमको दे दिया, बटन क्लोज दे दिया। देखिए आगे सेव डायरेक्ट एंटर फाइल नेम, अब यहाँ पे आप अपने पीडीएफ का जो भी नाम डालना चाहते हैं, क्योंकि आपको चारों मर्ज होगा एक में, जिस तरह से आपने सेलेक्ट किया उसी हिसाब से होगा। मैं आपको दिखाता हूँ अभी कितने पेज का होगा फ्रेंड्स, क्योंकि पहला दो पीडीएफ मैंने जो सिलेक्ट किया था जिसे नाम से नहीं था, वो दोनों एक ही पेज का था, बाकी देखना पड़ेगा कितने पेज का था। तो फिर देखिएगा सब आपका ऐड हो गया होगा, मैं दिखाऊंगा आपको। एंटर फाइल नेम, मैं इसमें फाइल का नाम डाल देता हूँ, आर के, आर के डाल दिया। आगे देखा कंप्रेस पीडीएफ, लो पे हमारा सेट है कि हमारा जो पीडीएफ होगा पीडीएफ मर्ज एक ही में होगा, उसकी साइज क्या होगी, वो छोटा होगा कितने की साइज में होगा, तो हमारा लो पे सेट है, एकदम लो साइज में होगा। आप यहाँ चाहें तो बढ़ा सकते हैं, लो पे हम इसको हाई मीडियम पे कर देते हैं, मीडियम हाई, तीन ऑप्शन है, मैं मीडियम पे टैप करता हूँ, टैप कर दिया। मीडियम के आगे आपको एक ऑप्शन दिया है कंप्रेस पीडीएफ, आगे दिया है सिक्योर पीडीएफ, इसको आप टैप करके इसको चेक कर दीजिए, चेक कर दिया। अब आपको पीछे तरफ सेव ऑप्शन मिल रहा है, या आप यहाँ भी डायरेक्ट एक्सप्लोर बाय टच देखें, आपको मोर ऑप्शन जहाँ मिलता है ऊपर राइट साइड में, राइट कॉर्नर में, राइट अप में, वहाँ पे आपको सेव ऑप्शन मिल रहा है, टैप करेंगे हम इस पर, हमारा सेव हो रहा है। यहाँ पे हमने किया, अब ये हमारा फोल्डर चूज करने दे रहा है कि आप कहाँ पे इसको करना चाहते हैं, कौन से मेमोरी कार्ड में या किसी फोल्डर के अंदर करना चाहते हैं। मैं डायरेक्ट किसी फोल्डर के अंदर मैं बाहर करना चाहता हूँ, मैं अपने एसडी कार्ड में डायरेक्ट ड्राइव, हर जगह आप जहाँ बात चाहे ऐसे करना चाहते हैं, देखिए हर जगह आप वहाँ कर सकते हैं। एसडी कार्ड पे टैप करता हूँ, अपने टैप किया, हमारे फोन के देखिए जितने फोल्डर सब खुल रहे हैं। यदि आप चाहें किसी फोल्डर में रखना इसको, तो आप फोल्डर पर टैप करिए, लेकिन मैं डायरेक्ट इसको बाहर रखना चाहता हूँ, तो मैं किसी बिना फोल्डर पर टैप किए नीचे आपको जहाँ व्हाट्सअप पे सेंड बटन मिलता है, राइट डाउन में, राइट साइड में नीचे जस्ट रिसेंस बटन के ऊपर, किसी किसी फोन में सैमसंग में या किसी किसी फोन में यहाँ पे राइट साइड में बैक होता है, उसके जस्ट ऊपर सेव का ऑप्शन मिला। सेव पे हम जैसे ही टैप करेंगे हमारा मर्ज होने लगेगा, देखिए टैप किया, क्या बोला, मर्ज पीडीएफ डॉक्यूमेंट सेव सक्सेसफुली, हमारा सेव हो चुका फ्रेंड, देखिए कितना जल्दी ये काम किया। यहाँ से डायरेक्ट आपको ओपन करने के लिए भी दे रहा है, आप यहाँ से डायरेक्ट देख सकते हैं, लेकिन मैं आपको फाइल मैनेजर दिखाता हूँ, बैक करके मैं अपने एसडी कार्ड में आ गया। अब लास्ट में, सबसे लास्ट में आपको आर के नाम से पीडीएफ देखिए मिलेगा फ्रेंड्स, देखिए आर के पीडीएफ, ये 1.10 एमबी का पीडीएफ हमारा मर्ज हो चुका है। मैं आपको ओपन कर दिखाता हूँ कितने पेज में है, देखिए यहाँ से आप सेव करें, ड्राइव मिल रहा है, लेकिन डिसमिस हम कर देंगे क्योंकि हमको पढ़ना है ओपन करके। देखिए हमारा ओपन हो चुका है पीडीएफ, 15 पेज का नीचे, देखिए 15 पेज का हमारा पीडीएफ है, एक मिनट के सब डिसमिस यहाँ पे हो गया है। देखिए लास्ट में हमने डिसमिस किया था, पढ़ रहा हमारा ड्राइव, आपको दिखाता हूँ पढ़ के अगर अगला कुछ हो, क्योंकि दो पेज हमारा यही था, वन पेज था ये हिंदी में नहीं पढ़ेगा, सेकंड में नहीं पढ़ेगा, थर्ड पढ़ेगा इंग्लिश में। देखिए देखिए पावर, पावर का है फ्रेंड, देखिए ये हमारा सब डॉक्यूमेंट आपको पढ़ के बता दें, आप समझ गए होंगे कि कौन सा किसके बाद आ गया। जैसे हमने सेलेक्ट किया था उस हिसाब से फ्रेंड हमारा पीडीएफ ऐड हो चुका है। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी, और आप इस वीडियो से कुछ ना कुछ जरूर सीखेंगे। धन्यवाद।